हेल्थ स्पेशल के एक और एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। इससे पहले के एपिसोड में हमारी बात हुई थी डॉक्टर अमाद से, जो कि एक पीडियाटिक सर्जन है, जिससे हमने नवजात बच्चे, उनकी हेल्थ इश्यू और बाय बर्थ उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में जाना। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर क्यूम खान, हु इज वन ऑफ द लीडिंग न्यूरो सर्जन ऑफ कश्मीर। आइए आपकी मुलाकात करते हैं डॉक्टर क्यूम खान से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। डॉक्टर साहब, चूंकि ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम आपसे काफी कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके स्पेशलाइजेशन के बारे में। जी मैम, मैम मैं इस वक्त वाइस असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। तो जो मैंने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से और MS एंड MCH शेर कश्मीर और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से किया। उसके बाद मैं आउटसाइड ऑफ स्टेट था, पठानकोट और अमृतसर में अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ मैं वाबस्ता था, तो वहाँ मैं कोई 7 साल रहा। फिर 2021 से मैं मेरी यहाँ सिलेक्शन हुई एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो तब से मैं अपने फ़राइज़ यहाँ अंजाम दे रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी में। तो आप इससे पहले यहाँ पे नहीं थे, आप बाहर लोगों को ट्रीट हाँ, कर किया मैं करते आउटसाइड हैं ऑफ स्टेट था, इससे जी? पहले मैं यहाँ पे नहीं था। आफ्टर माई MCH मैंने कम्प्लीट माई MCH जो 2014 में मैंने कम्प्लीट किया, तो 15 से मैं आउटसाइड ऑफ स्टेट था, तो 21 तक था वहाँ पे, तो 21 से मैं अपने फ़राइज़ यहाँ अंजाम दे रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे आप देख सकते हैं कि अभी अवेयरनेस लोगों में काफी ज्यादा है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, तो उसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा पता है लोगों को कि किस डिजीज के बारे में हम बात कर सकते हैं, कि डिजीज के लिए कौन सा डॉक्टर है। लेकिन फिर भी हमारे मासेस में मैक्सिमम ऐसे पीपल है जिनको अभी भी नहीं पता है किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा स्पेसिफिक डॉक्टर है। तो हम जानना चाहेंगे, जो ये न्यूरो सर्जन है, तो न्यूरो सर्जन किन किन चीजों को, किन किन इश्यूज को डील करता है? जी नहीं, जो न्यूरो सर्जरी है इसमें 3 तरह के मतलब पार्ट्स आते हैं। एक होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और इसके साथ जो मूलिका जो बाकी नसें होती हैं जिनको नर्व्स बोलते हैं। तो अगर इन पार्ट्स में कोई भी बीमारी आ जाए तो इसको न्यूरो सर्जन सर्जिकली ट्रीट करता है। अगर वो मेडिसिन से ट्रीट नहीं होगा, जैसे कि वो न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है, जी तो ये सर्जिकल प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को न्यूरो सर्जन सर्जिकली ट्रीट करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एसोसिएटेड नर्व्स को। आसान शब्दों में आप हमें बता सकते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन में क्या डिफरेंस है? जी, जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो मेडिसिन से ट्रीट करता है बीमारी को, जैसे कि हम न्यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट करता है, या कोई सीजर ऐसा है जिसको मतलब सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं है वो, तो इसको न्यूरोलॉजिस्ट अपनी दवाई से ही ट्रीट करेगा। अगर वो बीमारी उसमें मतलब सीजर भी आ गया लेकिन उसमें सर्जिकली कोई लीजन है, जो वो जैसे कि ब्रेन ट्यूमर होता है या चोट लग गई दिमाग में, तो उस चीज को सर्जिकली ठीक न्यूरो सर्जन ही करता है। सो ठीक है, ऑपरेशन सर्जरी की वजह से ही वो ठीक हो सकता हाँ, है। कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो मेडिकली ट्रीट नहीं होगा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा, उसको उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, तो उस चीज के लिए न्यूरो सर्जन होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बता सकते हैं कि कौन को किस टाइप के केसेस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ जी कश्मीर जी वैली जी में? यानी आपका कहने का मतलब है कि कौन कौन सी बीमारी हम ज़्यादा देखते हैं अपनी ओपीडीज में। अगर मैं ओपीडी में बैठा हूँ, मेरा 60-70% पेशेंट होता है बैकेक का, लंबा जो कमर के दर्द होती है या गर्दन में दर्द होता है। उसके बाद हेड इंजरीज पेशेंट आते हैं, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स भी आते हैं, उनकी डिफरेंट मतलब मैनिफेस्ट होती है, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी का हेडेक हो गया या सीजर हो गया या कोई पास कमज़ोर हो गया, तो ये ब्रेन ट्यूमर की अलामत हो सकती हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन पेशेंट भी आते हैं, जैसे कि टीबी, कमर में टीबी होती है या ब्रेन में टीबी होती है, उसको भी सर्जिकली ठीक किया जा सकता है, तो ऐसे ऐसे पेशेंट आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बोला कि आपने इससे पहले, आप सिर्फ 3 सालों से यहाँ पे, उससे पहले आप बाहर दिखते थे, तो व्हाट इज द कॉमन थिंग यू सी इन द पेशेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द कश्मीर एंड फ्रॉम द जी, कश्मीर? स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट में तो मैं नॉर्दर्न इंडिया में ही था, लेकिन स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जो ब्रेन ट्यूमर जो मैं कश्मीर में देख रहा हूँ कि इसके इंसिडेंस यहाँ ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पंजाब। ओके, बाकी वहाँ पर हेड इंजरीज का कॉमन है और यहाँ पर बैक एक बहुत कॉमन है, तो उसके बहुत का वजह हो सकते हैं, तो बैक एक यहाँ ज़्यादा कॉमन है, ब्रेन ट्यूमर यहाँ ज़्यादा कॉमन है, बनस्बती पंजाब के वहाँ ज़्यादा हेड इंजरीज कॉमन है।
ठीक है ओके सर। और सर, बाकी बीमारी भी है वहाँ पे मिलती है ना, बैक पेन यहाँ पे बहुत कॉमन है या ब्रेन ट्यूमर यहाँ पे कॉमन है, तो आप हमें बता सकते हैं क्या वजूहत है इसके पीछे की, व्हाई इज इट बैक पेन कॉमन, इज इट बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग तो बाहर भी होती है यहाँ पे भी होती है, तो मेन कॉज क्या है बैक पेन होने का? उसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। ओके जो हमारा वहाँ की, जैसे कि आप पंजाब में जाइए, वहाँ जो बैठने का वो ढंग है वो नीचे नहीं बैठते, फर्श पे नहीं बैठते हैं, वो सोफा या कोई चेयर वगैरह पे बैठते हैं। हम लोग क्या बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, दिस इज वन ऑफ कॉज। दूसरा कॉज होता है जो फिजिकल एक्टिविटी यहाँ लोग कम करते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, पंजाब के मसले। दूसरा ओबेसिटी यहाँ कॉमन है, बैक फीमेल्स में होता है, इनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है, मोटापा तो उनमें हो सकता है। स्मोकिंग यहाँ बहुत लोग करते हैं, उसकी वजह से भी बैक के जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। ओके सर। हाँ, और उसके अलावा मतलब डाइट हमारा भी, मतलब इतना जो भोजन होता है हमारा वो भी प्रॉपर नहीं है, वो भी हेल्दी डाइट नहीं होता है, इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे मोटापा ज़्यादा हो जाता है और बैक एक ज़्यादा हो जा सकता है। ओके एंड अदर फैक्टर्स आर लाइक जो मैं बोल रहा हूँ आपको, तो यही फिजिकल इनएक्टिविटी ज़्यादा यहाँ पे है और डाइट का जो यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब आपने बोला कि ब्रेन ट्यूमर भी यहाँ पे काफ़ी पाया जाता है, उसकी क्या वजूहत हो सकती है? उसके भी जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ होते हैं। ओके जो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है या हॉर्टिकल्चर के साथ है, तो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये इनडायरेक्टली ब्रेन ट्यूमर्स को ज़्यादा इसमें हो जाता है। इस पॉपुलेशन में देखा गया है कि जैसे कि सोपोर का बेल्ट या शुपियन का बेल्ट है, वहाँ से लोग ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर के लेके आते हैं एज कम्पेयर टू द सिटी, श्रीनगर सिटी या जो जहाँ पे ये एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये भी हो सकता है। दूसरा म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन कोई हो गए किसी में भी हो सकती है वो म्यूटेशन, तो वो ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एज ग्रुप क्या होता है जो आपके पास जो पेशेंट्स कॉमनली आते हैं, तो उनमें एज ग्रुप क्या है जो मैक्स एज ग्रुप है? जैसे कि बैक किक है, ये जो 30-55 के एज ग्रुप में ज्यादा आते हैं। इज इट मेल? लेकिन एज के साथ ये जो बैक किक है ये बढ़ सकता है। ओके हमने 70-80 साल के एज ग्रुप में भी देखा है कि बैक किक है, और इस वक्त यंग पॉपुलेशन में भी है, क्योंकि जो बैठने का जो पोस्चर है वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, तो उस वजह से भी बैक एक ज़्यादा हो सकता है। और जो ब्रेन ट्यूमर्स की जो इंसिडेंस है वही 50-60 साल के एज में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द यंगर एज ग्रुप में। ओके डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि जो पिछले लोग थे तो वो भी बैठा करते थे, नीचे ही बैठा करते थे, टेक लगा के बैठा करते थे, लेकिन उनमें ऐसी कोई कॉमन डिजीज पाई नहीं जाती थी जो कि आजकल है। उनका ये था कि वो ज़्यादा फिजिकल लेबर करते थे, खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे, लोग चलते थे ज़्यादा, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करते थे, ठीक है। अगर फिजिकल इनएक्टिविटी हो गए तो ज़रा सा इसने कोई एक्टिविटी की, फिजिकल एक्टिविटी, तो उनको बैकअप ज़्यादा हो जाता है, स्पेन ज़्यादा पड़ जाता है। अगर हम फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे, तो ये इशूज़ कम हो जाएंगे। तो यही वजह जो पुराने लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, तो वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते थे और उनका जो डाइट था वो बिल्कुल प्रॉपर था, वो इतना जंक नहीं था खाने में इतना मतलब कोलेस्ट्रॉल हम खाते हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो ये वजह हो सकते हैं तो आज क्यों ज्यादा है। तो उस तरह की डायग्नोस्टिक्स जो है ना ये बहुत इंक्रीज हो गई है। पहले जमाने में अगर किसी को बैक एक होता था तो वो रेस्ट लगा के ठीक हो जाता था, लेकिन आजकल क्या है कि डायग्नोस्टिक MRI करना है, CT एक्सरे वगैरह, इससे भी ये बीमारियों का ज्यादा खोज हो गया। या ब्रेन ट्यूमर कोई हेडेक लेके कोई आता है, जब उसको हम इवाल्व करते हैं, हमारे कराते हैं, उसमें कोई ना कोई चीज निकल जाती है कभी कभार, तो ये भी है कि जो हमारी डायग्नोस्टिक्स है ये इंक्रीज हो गई, इससे भी बीमारियों का ज्यादा पता चलना शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और कौन किस टाइप की आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे? जो यहाँ पर SMHS में है, यहाँ शरीन बाग जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो हमारा न्यूरो सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ 24/7 न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसीज हम डील करते हैं। ओके। इसमें हेड इंजरीज होती हैं, इसमें न्यूरोलॉजिकल जो स्ट्रोक होता है या एक्यूट LBA कभी कभार इतना ज़्यादा हो जाता है जिसको सर्जरी इमरजेंसी में करनी पड़ती है। तो दूसरा हमारा जो IPD डिपार्टमेंट है, तो ये एमरजेंसी सर्विस हमारा SMHS में है। जो IPD डिपार्टमेंट है ये शरीन बाग में है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है, और वहाँ भी हम ब्रेन ट्यूमर्स, बैक के पेशेंट, डिजेनरेटिव स्पाइन के पेशेंट, हाइड्रोकेफलेसिस, तो बाकी बीमारियाँ हम वहाँ ट्रीट करते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जो जिनको टेक्नोलॉजी, जिनको मशीन्स की जरूरत हो, वो अवेलेबल नहीं हो, तो आपको बाहर उनको रेफर करना? कभी कभार ऐसे कि बोले कोई ट्यूमर छोटा होता है, जैसे कि मैं एक ट्यूमर होता है ब्रेन में, इसको बोलते हैं CP angle ट्यूमर, CP angle vestibular schwannoma, अगर ये 3 cm से छोटा होगा
तो उसको सर्जरी की आजकल जरूरत नहीं पड़ती है, उसको गामा नाइफ देना पड़ता है, रेडिएशन देना पड़ता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे कश्मीर में अभी नहीं है, ना शहरी कश्मीर में है या ना एसएफएच में है। तो उन पेशेंट को कभी कभार हमें स्टेट से बाहर भेजना पड़ता है पीजीआई या एम्स, तो वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर ऐसे सच पेशेंट्स आपके पास बहुत परसेंटेज बहुत कम है, less than 1-2% of patients. Like in a month, how much patients you get? Such kind of patients? In a year, 4-5 patients like I said. Okay, बाकी जो treatment जो हमारे यहाँ पर है, almost we are dealing every disease here. तो बाकी कोई ऐसी नौबत नहीं आती कि हम उसको बाहर भेजें, क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, यहाँ से बाकी रेफरल यहाँ आते हैं। Okay. बाकी वैली से आते हैं, इनफैक्ट वी आर गेटिंग रेफरल्स फ्रॉम जम्मू ऑल्सो, और बाकी स्टेट से भी, यहाँ कोई आउटसाइड स्टेट भी कोई पेशेंट आता है यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे आपसे जानना था कि क्योंकि मैंने सुना है कि ब्रेन ट्यूमर में यू गेट अ सडन डेथ। जी जी जी। सो सिम्टम्स वी वांट टू नो कि एक कॉमन पर्सन को जो एक ब्रेन ट्यूमर, ये ना एक बिथ बन गया है कि हाँ जी ब्रेन ट्यूमर इज अ, मतलब इसका सडन डेथ हो जाता है, ये मर जाता है। okay. लेकिन ये भी नहीं है, जो WHO क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स है, इसमें बहुत बिनाइन ट्यूमर्स है और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है। जैसे कि बिनाइन ट्यूमर को ये हो गया मेनिनजोमा, एक ट्यूमर होता है। अगर इस मेनिनजोमा ट्यूमर को सही वक्त पे सर्जरी होगी कि पेशेंट इज ऑलमोस्ट क्योर्ड, इसको मतलब दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये ब्रेन ट्यूमर कोई हाई ग्रेड ट्यूमर होगा, WHO क्लासिफिकेशन हाई ग्रेड में आता है, तो इसमें जो लाइफ सर्वाइवल है वो कम होता है। ठीक है, अब रही सिम्टम्स क्या हो सकता है, सिम्टम्स वेरिड सिम्टम्स होते हैं, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। लाइक पेशेंट को सिंपल हेडेक हो सकता है, अगर किसी को मॉर्निंग में ज़्यादा हेडेक होता है तो, और इसके साथ उल्टियाँ शुरू हो जाती है, उसके साथ सीजर भी हो सकते हैं इसके पेशेंट को, ब्रेन ट्यूमर पेशेंट को। दूसरा एक पास जो एक साइड है वो कमज़ोर हो सकता है, ठीक है, इसकी जुबान चली जा सकती है, तो बोलना बंद कर सकता है वो, तो बात नहीं कर सकता है। जो यूरिन है या जो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, तो यूरिन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे सिम्टम्स इनमें होते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स हमें मतलब लगे कि हैं कि ये बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर की वजह से है, या हेड में कोई CNS की पैथोलॉजी है अंदर, तो उसमें MRI करके हमें पता चलता है कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम में दिखी कि ये प्रॉब्लम अंदर दिमाग में रसौली की वजह से है, तो इसको अगर हम सही वक्त पे सर्जरी करें तो इनका आउटकम डेफिनेटली। तो सही वक्त क्या कौन सा होता है? सही वक्त होता है डिपेंड्स ऑन स्टेज ऑफ ट्यूमर। अब मैंने ऐसे ऐसे बताया आपको, अगर ये बिनाइन ट्यूमर है, मेनिनजोमा है, इसमें आउटकम ऑलमोस्ट 100% ठीक है। अगर इसकी लोकेशन प्रॉपर है तो ये दिमाग के उस हिस्से में नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है, सुपरफिशियल ट्यूमर है, इसमें आउटकम अच्छा होता है। लेकिन अगर ये हाई ग्रेड ट्यूमर होगा, हाई ग्रेड ट्यूमर का, और ये लेट स्टेज में आया, तो उसमें सर्वाइवल का चांसेस कम होता है। okay. लेकिन अगर ये अर्ली स्टेज में आ गया, लाइक एक ट्यूमर, इसको बोलते हैं पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये WHO क्लासिफिकेशन 1 होता है। तो अगर ये अर्ली ट्यूमर, ये स्टेज 1 ट्यूमर है, तो इसका अगर सर्जरी हम करेंगे, इसका आउटकम बिल्कुल गुड है, तो सर्वाइवल के चांसेस में बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि कंटिन्यू सिरदर्द हो, क्योंकि आज पोल्यूशन की वजह से या टेंशन की वजह से सिरदर्द तो कॉमन है, लेकिन माइग्रेन काफी होता है, यंगस्टर्स में ज्यादा माइग्रेन देखा गया है, तो कहीं ना कहीं इज दैट अ सिम्टम ऑफ इट? ये तो सिम्टम है, ये हेडेक है सिम्टम, ये ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। कंटिन्यू रहे तो, अगर ये कंटिन्यू रहे, अगर पहले इनिशियली हमें देखना है कि माइग्रेन तो नहीं है, माइग्रेन में मतलब माइग्रेन एक साइड का होता है, ठीक है, आंखों में पानी आ सकता है, तो नमनेस हो सकती है माइग्रेन में, उल्टियाँ भी हो सकती हैं। अगर ट्रीटमेंट से ये इसने रेस्पॉन्ड किया पेशेंट को, तो इसमें मतलब कोई फिर घबराने वाली जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रीटमेंट से मतलब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमें इसमें इमेजिंग ज़रूर करनी चाहिए, हमें ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि हम इसको प्रोलॉन्ग करें ट्रीटमेंट, दवाई पर दवाई हम चेंज करते रहें, तो ऐसी बात ठीक नहीं है। क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारे पास जो MRI है, इसमें छोटी सी छोटी चीज निकल आ सकती है, तो इसे बेटर है कि अगर ये पेशेंट का हमारा हेडेक ठीक नहीं हो रहा है काफी देर से ऑब्जर्वेशन में, इसमें MRI करा के। तो डॉक्टर साहब, आपका कहना है जैसे कि कोई पेशेंट होता है उसको कंटिन्यू सिर दर्द है, घर पे कोई टेंशन है, तो वो कंटिन्यू सिर दर्द है, वो टैबलेट खाता है, कोई लोकल केमिस्ट के पास चला जाता है, हैविंग अ टैबलेट, उसको फर्क हो जाती है, 1-2 दिन के लिए फर्क होती है। लेकिन अगर यही सिर दर्द एक हफ्ते से ज्यादा प्रोलॉन्ग करे, तो इट माइट बी द रीजन, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको किस MRI के लिए जाना, स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, दोनों वर्क कैपेबल, न्यूरोसर्जन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। जो हमारे ब्रेन ट्यूमर होते हैं, पहले ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट हमें रेफर करता है, अगर ये सर्जिकल प्रॉब्लम है, आप न्यूरोसर्जन के पास जाइए, इसका इलाज है सर्जरी, तो यूजुअली हमें
न्यूरोलॉजिस्ट से पेशेंट आ सकते हैं। okay. ये नहीं कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए, इनफैक्ट अगर फिजिशियन अच्छा होगा तो फिजिशियन ये भी फिजिशियन से पेशेंट आ जाते हैं। ठीक है, सो हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? लाइक आपने जैसे बोला खाना तो मैक्सिमम जो नॉर्मल, क्योंकि आज मिक्स हर किसी चीज में होता है, मिलावट तो हर चीज में होती है। तो आपने बोला कि टेक लगा के नीचे बैठना, वो भी तो कॉमनली होता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि हमें कुछ बन, जैसे कि पहले जमाने के टाइम पे जो औरतें किया करती थी, मतलब डोमेस्टिक काम बहुत का, अब आज वो भी नहीं है। तो हम इस चीज को कैसे प्रिवेंट करें? यानी हेल्दी है, आप बोल रहे हैं कि कैसे हम हेल्दी रहें, हमारा जो नर्वस सिस्टम है कैसा हेल्दी रहे। exactly. इसमें जो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज क्या होती, क्या फ़ायदा है, इससे ब्लड जो वेसल होते हैं ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ब्रेन में, जो नसें सिकुड़ जाती है ब्रेन में, सिकुड़ी हुई होती है, एक्सरसाइज से उनमें भी मतलब ब्लड फ्लो चला जाता है और ब्रेन के नशोनुमा के लिए वो ज़रूरी होता है वो ब्लड फ्लो वहाँ पर जाना। ठीक है, इसके बाद हमारा डाइट जो भोजन है वो प्रॉपर होना चाहिए, इट शुड बी हेल्दी डाइट, विटामिंस मिनरल्स का अच्छा होना चाहिए। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज मैंने बता दिया, विटामिंस मिनरल्स एज इन सैलेड होना चाहिए, एक प्रॉपर डाइट, बैलेंस्ड डाइट होना, कार्बोहाइड्रेट इसमें का रोल है, नट्स का रोल है इसमें। ओके, ठीक है, तो और प्रोटीन मतलब अपनी मकदार में होना चाहिए, तो कोई भी चीज ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड डाइट, लिमिटेड। यस, ओबेसिटी जो कॉमन जो कॉमन है उसमें हम स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं करना लेना चाहिए, और मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन से इंसान का मतलब जो जो रूह है वो ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, वो जो आपने बोला कि अभी बैक पेन का आपने इशू बोला, जी जी, तो बैक पेन आपने बोला कॉमनली जो औरतों में ज़्यादा ये बैक पेन हुआ करता है, तो इसका क्या, इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत यह है कि बेचारी औरतें जो काम ज्यादा करती हैं, इनको बेंडिंग का काम ज्यादा होता है। ओके, झुक के काम करना पड़ता है, डिस्क ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें, ओबेसिटी ज्यादा होती है फीमेल्स में। ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज ज्यादा नहीं होती है, बट वो डोमेस्टिक काम तो करते हैं, डोमेस्टिक काम करते हैं, लेकिन जो पोस्चर होता है ना काम करने का वो सही नहीं होता है। ठीक है, अगर हम ज्यादा देर पर बेंड करेंगे, ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेंगे, तो इसमें जो स्पाइनल जो व्हाटएवर कॉलम है उस पर ज्यादा जोर पड़ता जाता है। ओके, जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि जो ब्रेन ट्यूमर जो मेनिन्जियोमास होते हैं, इनका आउटकम बहुत बढ़िया होता है, ये बेनाइन ट्यूमर होता है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जैसे कि जीबीएम को बोलते हैं, इनका आउटकम सर्वाइवल बहुत कम होता है, 3 महीने 4 महीने या मैक्सिमम 2 साल तक रह सकते हैं। तो कितने सच केसेस आपको, सक्सेसफुल केसेस आपको अभी तक हुए हैं? सक्सेसफुल केसेस तो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे मिसालें बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन ऐसे कश्मीर में मैम तो मेनिन्जियोमा ऑलमोस्ट इनका मोर देन 90% सर्वाइवल रेट अच्छा है। ओके, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इनका सर्वाइवल ज्यादा अच्छा नहीं होता है। हाउ मेनी पेशेंट्स डू यू सी इन अ डे? जो बैक एक है उसमें भी रिजल्ट आर वेरिड, सम पेशेंट्स आर शोइंग गुड रिस्पॉन्स, सम आर नॉट शोइंग, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारे कारण होते हैं कि किसका रिस्पॉन्स क्यों होते हैं, किसी को अगर डिप्रेशन होगा उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता। डिप्रेशन इज रिलेटेड टू एनी डिजीज। ठीक है, इंसान का अगर मन अच्छा होगा ना कि हाँ जी मुझे ठीक डॉक्टर ने ठीक कर दिया, मैं ठीक हूँ, अब वो ठीक हो जाता है, लेकिन कभी अगर पॉजिटिविटी शुड बी देयर। हाँ, तो ये चीज़ है। तो बाकी जो रिजल्ट्स है इसे वैलिड होते हैं, किसी का अच्छा रिस्पॉन्स होता है, किसी का कम होता है, लेकिन ओवरऑल 90% बैकअप में भी जो रिस्पॉन्स है वो हमने देखा है कि अच्छा रिस्पॉन्स, मोर देन 90% पेशेंट्स। हाउ मेनी पेशेंट्स डू यू सी इन अ डे? इन अ डे अगर ओपीडी में देखेंगे तो 60-70 पेशेंट हम देखते हैं। आपको लगता है आप जस्टिस कर पाते हो उनके साथ, क्योंकि एक पेशेंट हु इज कमिंग फ्रॉम पार्सलिंग एरिया और वो आपके पास देखने आता है, कितना वक्त देते हैं आप एक पेशेंट को? मैक्सिमम ये कभी कभार ये डिपेंड करता है पेशेंट, अगर पेशेंट मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई पेशेंट होता है, इसमें बहुत सारी हिस्ट्री होती है, बहुत सारा इलाज किया होता है, तो उसमें लग जाता है कभी कभार आधा घंटा भी लग जाता है। okay. लेकिन 5-10 मिनट तक हम कम से कम एक पेशेंट को वही ट्राई टू गिव द मैक्सिमम टाइम टू जो भी प्रॉब्लम की है वो सॉर्ट आउट करेंगे क्या क्लियरिटी है। थी? तो ऐसे मतलब नहीं है कि मतलब पेशेंट को ऐसे ही देखते जहाँ जी दवाई लिखती है आप निकल जाओ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जस्ट वन मैसेज आप जो यूथ को देना चाहेंगे, जो लोगों को देना चाहेंगे having this video, तो एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होगी? बस मैं यही क्या कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे हेडेक हो, बैक हो, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपने स्पेशलिस्ट के पास जाना है, टाइम पे जाना है। अगर हम टाइम पे जाएंगे तो इसका आउटकम बेटर होगा, अगर हम लेट करेंगे तो आउटकम में थोड़ा फिर इतना आउटकम अच्छा नहीं मिलता। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड में एक और नए डॉक्टर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।